বন্দে মাতরম পিলা মানে আজি আমি বীজগণিতর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকরণ বিষয়ে আলোচনা করিবা। এহা আমার দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথমে আমি জানিবা দ্বিঘাত সমীকরণ কাহাকু কুহাযায়। মু প্রথমে পিলা মানে তার সংজ্ঞা লিখি দেউছি, তারপরে গোটে গোটে করে তোমাকে বুঝাইবি। যে সমীকরণর যে সমীকরণর সর্বোচ্চ ঘাত দুই হয়ে থাকে তাহাকু দ্বিঘাত সমীকরণ কুহাযায়। দ্বিঘাত সমীকরণ কুহাযায়। পিলানে শুন ভালো ভাবে দেখ, যে সমীকরণর সর্বোচ্চ ঘাত দুই হয়ে থাকে তাহাকু দ্বিঘাত সমীকরণ কুহাযায়। আমি বর্তমানে গোটিয়ে উদাহরণ নবা, এক্সাম্পল টিয়ে বর্তমানে আমি নবা। 2x² - 4 = 0 এনাদর এক্সাম্পল নবা, a² - 8 = 0। এ হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণর দুইটি উদাহরণ। এই যে প্রথম উদাহরণকে যদি আমি দেখিবা, এই প্রথম উদাহরণকে যদি আমি দেখিবা, তাহলে পাইবা এটি অজ্ঞাত রাশি এক্স র সর্বোচ্চ ঘাত দুই। তেমনি অজ্ঞাত রাশি এক্স র সর্বোচ্চ ঘাত দুই যোগু এহাকু দ্বিঘাত সমীকরণ কুহাযায়। সেভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রকে যদি দিবা দেখিবা, a² লেখাইছে, এটি অজ্ঞাত রাশি হচ্ছে a, তার সর্বোচ্চ ঘাত দুই যোগু এহাকু দ্বিঘাত সমীকরণ কুহাযায়। তুমি এইভাবে ভাবে বহুত গুড়ি সমীকরণ নিরূপণ করে পার। এর সাধারণ রূপ হচ্ছে দ্বিতীয়রে যা, এর সাধারণ রূপ ax² + bx + c = 0 হয়ার a ≠ 0। প্লান ভালো মনে দিয়ে শুন, যে কোনসি দ্বিঘাত সমীকরণর সাধারণ রূপ হচ্ছে, জেনারেল ফর্ম হচ্ছে ax² + bx + c = 0 হোয়ার a ≠ 0। এটি কাহিকি a ≠ 0 লিখুছি না, যদি আমার এ র ভ্যালু 0 হয়ে যায় তাহলে আমি অজ্ঞাত রাশির মূল্য নিরূপণ করে পারিবা নাহি। এ ক্ষেত্রে এ বি সি কু বাস্তব রাশি কুহাযায়। বাস্তব রাশি এখানে x² র সহগ হচ্ছে এ, এক্স র সহগ হচ্ছে বি এবং সি হচ্ছে ধ্রুবক পদ। তেমনি এটি এ বি সি কু আমি বাস্তব রাশি কু ও সি কু ধ্রুবক পদ বলে কুহাযায়। ধ্রুবক পদ বর্তমানে আমি এই a² + bx + c = 0 দ্বিঘাত সমীকরণ কু সমাধান করিবা পাই আমি এক প্রকার প্রণালী অবলম্বন করু, তাহাকু কহন্তি পূর্ণ বর্গরে পরিণত করি, পূর্ণ বর্গরে পরিণত করি সমাধান কর। সমাধান কর বর্তমানে আমি দ্বিঘাত সমীকরণটি পূর্ণ বর্গ রাশি উপরে প্রকাশ করি কি সমাধান করিবা। সেথিপাই মু কেতে গুড়িয়ে স্টেপ দউছি, সে স্টেপ গুড়িক প্রথমে মনে রাখিবা। আউ থরে লিখি দউছি,
दिघात समीकरण टिकु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 द्वितीय स्टेप केतरी सोपान दउची सोपान गुनिक मन रखिले हम सहज रे समाधान कर परिया एबे कोन करबा ना x स्क्वायर सहग द्वारा भाग करबा तले केतो हबो x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0 एटी दर्शाई दवा x स्क्वायर सहग द्वारा भाग करा गला x स्क्वायर सहग द्वारा भाग करा गला एबे द्वितीय सोपान को जीवा आमे जे ध्रुवक अपदर्शी को दक्षिण पार्श्व को बा पार्श्व परिवर्तन करबा x स्क्वायर प्लस b बाय x इज इक्वल टू माइनस c बाय a एटले लिखि दबा आमे जहा करू जति ताहा को दर्शेबा कोन ना ध्रुवक पदर पार्श्व परिवर्तन करा गला वर्तमान कोन करबा ना एठी जो हमको पद मिलला x स्क्वायर प्लस b बाय x एटा को वर्तमान में पूर्ण वर्ग राशि रूप रे बदलेबा केमती बदलया वर्तमान देखिबा x रो होल स्क्वायर प्लस 2 a b बाय 2a प्लस b बाय 2a रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b बाय 2a रो होल स्क्वायर ए लिख दवा उभय पार्श्व रे b स्क्वायर जोग करा गला एटा हम लिख दवा उभय पार्श्व रे b स्क्वायर जोग करा गला ताले बर्तन आमे देखिया पिले x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आम मन रे प्रश्न उठुथिबो भाई आपण जानि छथि त कर देई गले हला आमे एथि केमिति जानिबु यदि पिले एथि लक्ष्य करबो यदि x स्क्वायर प्लस b बाय ax अछि यदि प्लस चिन्ह अछि ताहले एई पदटि को a प्लस b रो होल स्क्वायर उपरे सजेबो यदि माइनस चिन्ह अछि तबे एई पदटि को a माइनस b उपरे सजेबो ताने एठी मु केमिति पाइले पिले नजर कर एठी केमिति b रो वैल्यू केमिति बाहर करबा ना x रो सहग जति कि थिबो भले कि निरीक्षण कर एई x रो सहग जति कि थिबो ता देरे कोन करबो सबले हाफ गुणिबो हाफ कोले जत आसीला ना b / 2a जो b / 2a आसीला से उची b रो मूल्य बुझि पालो आउ थरे कह दउची भले बुझो आमे 2x ला a b केमिति पाइबा ना x रो सहग जहा भी थिबो ताह सहित सर्वदा 1 / 2 गुणी देले जति के आसीबो सेटा होची b तले एठी हला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल एपर थिला माइनस c / a एपर मध्यम b स्क्वायर जोग करू ताले बर्तमान एटा ओटे पूर्ण वर्ग राशि ऊपर रहला कोटा ना x प्लस b / 2a रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते ना माइनस c / a प्लस b स्क्वायर / 4a स्क्वायर बर्तमान आमे कोन करबा ना x प्लस b / 2a रो होल स्क्वायर एपडे बर्तमान किले लॉस आगु काढिबा लॉस आगु केते हबो ना 4 a स्क्वायर 4 a स्क्वायर आ ए रो लॉस आगु हबो 4 a स्क्वायर 4 a स्क्वायर को आमे ए द्वारा जदी भाग करबा तले केते पा देखो पिले जो मन पिले डाली परनो 4 a स्क्वायर को ए द्वारा जदी हम भाग करबा तले भागफल केते आसो 4 a 4 a को आमे ता 90 रे गुणी ले केते पाइबा माइनस 4 ac छोड़ी 4 a स्क्वायर को 4 a स्क्वायर भाग करबा भागफल ए को आसो ताकू b स्क्वायर गुणी ले केते मिलिबो b स्क्वायर आमे एटा टिके पिले सजे दवा रीअरेंज कर दवा कर देले केत हबो ना b स्क्वायर माइनस 4ac / 4a स्क्वायर हम केति के मिलेला वर्तमान मोइटी टिके लिभे दउछि जेहेतु तळे जागवा नाही एबे मु एटा आउथर पिले लिखुछि नजर करथबो ए स्टेप पर वर्तमान आनुछि
एडी कौन अच्छी बाम पार्श्व रे ना a plus b by 2a रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने रहेला ना b स्क्वायर माइनस 4ac by 4a स्क्वायर एबे हमें कौन करे ना उभय पार्श्व रे वर्गमूल निरूपण करेला वर्गमूल निरूपण करे पहले इटा कितने ही जो वर्ग उठी जीवो उठी वाले x plus b by 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर by 2a प्लस और माइनस चिन्ह दे दो बर्तन एटी के सिला ताप नाम को अज्ञात राशि बाहर करे रचि ए ध्रुवक पद्धति को नहीं जवा दक्षिण पार्श्व नेले केता बोल ना माइनस b by 2a प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर by 2a दैट इज इक्वल x इज इक्वल टू लॉस ऑफ आंसर नहीं जवा केता हो 2a रे लॉस ऑफ 2a सेबले 2a को 2a रे भाग करबा भागफल जति को b रे माइनस b रे गुणीबा माइनस b सेमिति प्लस और माइनस 2a को 2a रे भाग करे भागफल एक राशि भीतर गुणीले केते आसीबो सेति की b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर एटा ही होउची हमर द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग रे परिणत करी समाधान करिवार सूत्र याला दुईटी मूल अछि गोटे मूल आमे लिखिबा अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर by 2a आउ गोटे मूल होची बीटा माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर by 2a पले बर्तन आमे जानि गले जे द्विघात समीकरण को किपर आमे पूर्ण वर्ग राशि रूप रे प्रकाश करिकी समाधान करिवार दुईटी मूल पाइले गोटे मूल हला अल्फा आ गोटे मूल हला बीटा दुईटी मूल काई की जेहेतु सर्वोच्च घात 2 अछि तेंतार मूल संख्या बा समाधान संख्या 2 हबो आज पै पले एति की पुनर्बार आउ थरे आमे आगो को प्रोसीड करबा कोन लटे देखि